कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहाँ पर डग नाम का एक लड़का भी अपने पेरेंट्स के साथ हॉलिडे मनाने आया हुआ था, जो एक किताब पढ़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह समुद्र के किनारे का नजारा देखने के लिए अपनी कार से बाहर की तरफ देखता है। इसके कुछ देर बाद वह लोग अपने लेक हाउस पर पहुँच जाते हैं और अपना सामान नीचे उतारते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेक के किनारे बहुत सारे नाव खड़े हुए हैं। डग वहाँ जाता है और अपने एक दोस्त से मिलता है, जो उसे बताता है कि इस बार यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई हैं और वह लोग यहाँ बहुत मजे कर सकते हैं। वो कहता है कि इस बार गर्मियाँ मजेदार होने वाली हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ के बार में जाते हैं, जहाँ एक आदमी आता है और इंस्ट्रूमेंट के तार निकाल देता है, जिससे म्यूजिक बजाने वाले रुक जाते हैं और लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही वो आदमी म्यूजिक बैंड के साथ गिटार बजाने लगता है और वो लोगों को काफी पसंद आता है। डग का दोस्त उसे एक एप्रोन पहनाता है और कहता है कि अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद डग अपने घर आता है और आवाज देकर कहता है कि वो घर आ गया है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है। वो अपने कमरे में जाता है और कुछ तस्वीरें देखने लगता है। जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक कपल दिखाई देता है जो वहाँ आए हुए होते हैं। इनका नाम एलियट और लीना है। डग लीना को देख रहा होता है, जो बहुत खूबसूरत होती है। वो लगातार उसे देख रहा होता है, लेकिन जल्दी वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। डग फिर भी लीना को देखने की कोशिश करता है और जैसे ही लीना उसकी तरफ देखती है, वो डर जाता है और खिड़की से हट जाता है ताकि लीना उसे देख ना पाए। अब इसके बाद डग उसे देखने के लिए अपनी साइकिल लेता है और जानबूझकर उसे रिपेयर करने लगता है और लीना को झुककर अपने जूते से धूल निकालते हुए देखता है। इसके बाद डग अपने दोस्त के पास जाता है और वो लोग फिर से लड़कियों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद वो लोग एक चटाई लेकर एक पुराने नाव के अंदर जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ से उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। इसके बाद डग घर वापस आता है और देखता है कि वहाँ नए पड़ोसी आए हुए हैं। डग के पिता उसे नए पड़ोसियों से मिलने जुलने के लिए बुलाते हैं, जो कि एलियट और लीना होते हैं। डग उनसे मिलने जाता है, जहाँ एलियट डग से बात करता है। एलियट कहता है कि डग के पिता ने उसे बताया कि वो नाव के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो डग को अपने नाव में काम करने के लिए कहता है और वो इसके लिए उसे हायर कर लेंगे, जहाँ उसे घास काटने के काम से ज्यादा पैसा मिलेगा। अगले दिन डग एलियट की नाव पर जाता है और वहाँ वो लीना को स्विम करके बाहर आते हुए देखता है। इसके बाद लीना नहाने के लिए जाती है और डग उसे देख रहा होता है। लीना अपने कपड़े उतारती है और डग उसे तब भी देख रहा होता है, तभी वहाँ एलियट आ जाता है और पूछता है नाव कैसी है। तब डग कहता है कि नाव को कुछ कॉस्मेटिक नुकसान हुआ है। एलियट कहता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है और इसके बाद वो लोग डग की पेमेंट की बात करते हैं, जहाँ डग कहता है कि वो इस काम के लिए $12 लेगा, लेकिन एलियट कहता है कि वो उसे $20 देगा। इसके बाद रात को डग फिर से अपने पड़ोसियों के घर की तरफ देखता है और लीना अपने कमरे में कपड़े बदल रही है, लेकिन तभी वहाँ एलियट आ जाता है और वह लीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर डग अपना मुंह मोड़ लेता है। अगले दिन एलियट अपनी कार से लेक के सामने से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और कहता है कि उसका आईडी कार्ड देखना है। एलियट उसे अपना कार्ड दिखाता है, तभी वहाँ डग आ जाता है और कहता है कि यह गार्ड थोड़ा कड़क है। एलियट कहता है कि उसे यह पसंद आया। इसके बाद डग और एलियट नाव पर होते हैं। डग एलियट से पूछता है कि उसने इतनी शोहरत कैसे हासिल की है, तो एलियट कहता है कि यह सब पैसे और पर्सनैलिटी का कमाल है। इसके बाद सीन बदलता है और डग अपने कमरे की खिड़की से लीना को कहीं बाहर जाते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसे लीना के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागते हुए उसके पास जाता है। वो देखता है कि लीना डरी हुई कार के बाहर खड़ी है। वो कार में एक मकड़ी को देखकर डर गई थी। डग उस मकड़ी को कार से निकालता है और उसे कुचल कर मार देता है। इसके बाद वो कार को ठीक करता है और इस बीच लीना उसके बहुत पास आ जाती है। डग इसके बारे में अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त उसे एलियट से बच के रहने को कहता है, क्योंकि वो उसे खतरनाक नजर आता है। जब डग अपने काम से घर वापस आता है तो उसे लीना घर के बाहर बैठी दिखाई देती है। वो लीना के पास जाता है और लीना उसे बताती है कि उसके घर की चाबी खो गई है और वो घर के बाहर रह गई है और घर के अंदर जाने के लिए उसे डग की मदद चाहिए। वो डग को कहती है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि उसके पति ने उसे अपना ध्यान रखने को कहा है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और लीना डग को पत्थर से खिड़की तोड़कर अंदर जाने को कहती है, ताकि वो अंदर जाकर दरवाजा खोल सके, और डग उसकी बात मानकर अंदर जाता है और किसी तरह दरवाजा खोल देता है। इसके बाद लीना उसे इन्वाइट करती है और उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। वो लोग बातें करने लगते हैं और लीना कहती है कि डग को चोट लग गई है। लीना उसकी चोट को साफ करने लगती है और बहकी हुई आवाज में कहती है कि वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद डग उसे किस कर देता है
और फिर उससे इस बात के लिए माफी मांगता है। ये किस अच्छी नहीं थी, लेकिन लीना को इससे कोई परेशानी नहीं होती है। वो उसे फिर से अच्छी तरह कोशिश करने के लिए कहती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और लीना अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसमें डग उसकी मदद करता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो पलंग पर एक साथ उठते हैं। लीना कहती है कि डग रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छा था। वो पूछती है क्या वो पहले भी कभी किसी लड़की के साथ रह चुका है। तब डग मजाक में कहता है कि उसने तीसरी बार किसी के साथ रिलेशन बनाया है। इसके बाद लीना उसके बगल में लेट जाती है। कुछ टाइम बाद डग अपने घर जाता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो लीना के साथ बिताए पल को याद करके खुश हो रहा होता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त बताता है कि रात को डग ने गलती से उसे कॉल कर दिया था। उसका दोस्त उसे वो आवाज सुनाता है जो डग की तब की आवाज थी जब वो लीना के साथ था। इसके बाद उसका दोस्त कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो उनके साथ रिलेशन बना सकता है, लेकिन डग उसकी बात को अनसुना कर देता है। इसके बाद कुछ दिन डग लगातार लीना पर नजरें बनाए रखता है और उसके लिए वर्कआउट करना शुरू कर देता है। एक दिन वो नाव पर काम कर रहा होता है, तभी लीना वहां आती है और कहती है कि एलियट ने उसे डग के काम को देखने के लिए भेजा है। वो लोग नाव के अंदर जाते हैं और लीना उसे पर्दे गिराने को कहती है। डग पर्दा लगा देता है और लीना उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और अपने कपड़े निकालने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। उस रात डग बार में काम कर रहा होता है, तभी वहां लीना अपने पति के साथ आती है। डग उसे देखता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कुछ लड़कियां दिखाता है और उन्हें देखते हुए कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि आज रात कुछ अच्छा होने वाला है। अगले दिन डग अपनी साइकिल में कहीं जा रहा था, तभी वो देखता है कि एलियट एक दुकान में रुका है, इसलिए वो भी रुक जाता है और उस दुकान के अंदर जाता है। इसके बाद वो और लीना दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर जाते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन इस बीच एलियट लीना को ढूंढते हुए उस तरफ आ रहा होता है। उसे आता देखकर लीना और डग रुक जाते हैं और लीना उसे किस करके वहां से वापस चली जाती है। कुछ देर बाद एलियट उस नाव को देखता है जिस पर डग काम कर रहा था और कहता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद वो डग को भाषण देते हुए कहता है कि डग को देखकर उसे अपने दिन याद आते हैं। डग बहुत मेहनत करता है और इसलिए वो उसे इतना काम दे रहा है। वो कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है और इसका फायदा उठाकर डग लीना से मिलने के लिए चला जाता है और वो लीना के साथ मिलकर बेड पर पिकनिक मनाता है, जहां वो लोग कुछ बातें करते हैं। इसके बाद लीना उसे एक फोन देती है और कहती है कि एलियट बहुत गुस्से वाला और खतरनाक इंसान है, इसलिए यह फोन बात करने में उनकी मदद करेगा। अब इसके बाद डग भागते हुए किचन में जाता है और लीना भी उसके पीछे आ जाती है, लेकिन खिड़की के बाहर से उनका माली उन्हें देख लेता है। कुछ देर डग नाव की तरफ जाता है और देखता है कि एलियट नाव पर खड़ा है। वो डरते डरते नाव की तरफ जाता है और लीना को एलियट के साथ देखता है। एलियट डग से नाव को खोलकर पानी में उतारने के लिए कहता है, ताकि वो यह पता कर सके कि नाव समुद्र में चलने लायक है या नहीं। नाव की सवारी करते समय एलियट एक बिम से टकराने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह झुककर अपने आप को बचा लेता है। यहाँ डग एलियट को औरतों पर कुछ सलाह देता है और एलियट उससे पूछता है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो डग कहता है हाँ उसकी गर्लफ्रेंड है। अचानक नाव का इंजन बंद हो जाता है और एलियट उसे चेक करने जाता है, जिसके बाद लीना थोड़ा समय लेकर डग को बताती है कि वो एलियट से तलाक लेने के बारे में सोच रही है। तभी एलियट वहां आ जाता है और डग से नाव को ठीक करने के लिए कहता है। उस रात लीना डग को कॉल करती है और रो रही होती है। लीना उसे बताती ही कि एलियट ने उसे बहुत मारा है और अब वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है। इसके बाद डग तुरंत हॉस्पिटल जाता है और उसे कहता है कि उसे पुलिस को सब बता देना चाहिए, लेकिन लीना उसे रोक देती है और वो लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन डग काम कर रहा होता है और तभी उसे लीना का कॉल आता है जो लेक के किनारे पर ही धूप सेक रही थी। वो डग को अपने पास बुलाती है और वो दोनों एक पुराने नाव में इंटीमेट होते हैं। लीना उससे कहती है कि उसके साथ वह आजाद महसूस करती है। वो उसे एलियट और उसकी पहली बीवी के बारे में भी बताती है और कहती है कि वो लोग अभी भी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं। इसके बाद डग का दोस्त डग की हरकतों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने उसके के लिए एक लड़की को देखा है, लेकिन डग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो घर वापस आ जाता है और देखता है कि एलियट वापस आ गया है। तभी अचानक उसे लीना का कॉल आता है और वह तुरंत अपने कमरे में जाता है और लीना से बात करता है जो उसके पीछे खड़ी होती है। वो उसे तुरंत अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे डग की जरूरत होती है। इसके बाद डग तुरंत उसके घर पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि लीना और एलियट के बीच लड़ाई हो गई थी और लीना ने अपने आप को बचाने के लिए एलियट के सिर पर वार किया, जिससे एलियट की मौत हो गई। इसके बाद वो डग को उसकी मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी। वो पूछती है कि इसमें डग क्या कर सकता है। डग कहता है कि वो लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और कहता है कि उन्हें बिल्कुल पहले जैसा ही आम बर्ताव करना होगा। इसके बाद वह बार में काम करने जाता है और जब वापस आता है
तो देखता है कि लीना उसके माता पिता के साथ है। उनके बीच कुछ अजीब सी बातें होती हैं और डग अपने कमरे में चला जाता है। उस रात डग लीना से मिलने उसके घर जाता है और लीना उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं घर में अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए वो उसके माता पिता से मिलने चली गई। डग कहता है कि वो लोग इस वारदात को एक्सीडेंट बना सकते हैं, लेकिन लीना कहती है यह बहाना काम नहीं करेगा। इसलिए डग एक नया प्लान बनाता है और लीना को कहता है कि जब पुलिस उससे पूछे तो वो ये कहे कि उसके और एलियट के बीच लड़ाई हुई थी और उसके बाद एलियट चला गया था। यह कहने के बाद डग एलियट की बॉडी को लेकर उसके बोट में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बोट में वहां से निकल पाता, गार्ड उसे देख लेता है और इसे मिस्टर हार्पर कहकर आवाज देता है। डग एलियट की तरह एक्टिंग करता है और बोट को लेकर वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह पुलिस की कार्रवाई चालू हो जाती है और उन्हें ये सब एक्सीडेंट लगता है। इसके बाद पुलिस लीना के घर में पूछताछ करने आती है। डग देखता है कि लीना पुलिस वालों से बात कर रही है। डग ने उस रात बोट के अंदर एलियट के सर पर बिम से वार किया था और फिर शराब और सिगरेट की मदद से बोट को आग लगा दी थी, जिससे ये एक्सीडेंट नजर आ रहा था। डग अपनी आम जिंदगी जीने लगता है और बार में काम करता रहता है, जहां वो कुछ पुलिस वालों को ड्रिंक पिला रहा होता है और वो लोग उसी घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद एक औरत को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है जो शहर में आ रही होती है। वो औरत पुलिस से मिलने जाती है। वहाँ वो पुलिस से कहती है कि एल ट्रस्ट इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि एलियट के पास लाइफ इंश्योरेंस है जिसकी कीमत बहुत बड़ी है और यह पैसा लीना को मिलने वाला है, इसलिए इस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही होती है। वारदात में क्या हुआ यह जानने के लिए वो औरत लीना को पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछती है कि क्या उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लीना कहती है कि उसका किसी के साथ चक्कर नहीं है। लीना उस औरत के सवालों से परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल जारी रखती है और उस गार्ड से पूछताछ करती है जिसने डग को रात में देखा था। इसके बाद पुलिस डग के पिता से बात करती है। डग गार्ड को पूछता है कि उसे किस बात को लेकर शक है, तो गार्ड उसे बताता है कि रात को उसने जिसे देखा वो एलियट की जगह कोई और हो सकता है। इसके बाद इंश्योरेंस एजेंट लीना के घर पर जाती है और वारदात की जगह को चेक करती है ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके। उसे वो टूटी हुई खिड़की मिलती है जो डग ने लीना की मदद के लिए तोड़ी थी। इसके बाद वो एजेंट डग के घर पर जाती है और उसके माता पिता से उस दिन के बारे में पूछती है जब लीना उनसे मिलने आई थी। डग के माता पिता बताते हैं कि लीना डग से मिलने आई थी। डग ये सब सुन रहा होता है और घबरा जाता है। वो लीना को कॉल लगाता है लेकिन अपने माता पिता को कार में आता देखकर कॉल काट देता है। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां एजेंट उससे कुछ सवाल पूछती है और उसके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन डग की माँ एजेंट से कहती है कि वो डग को इस मामले में नहीं फंसने देगी। इसके बाद डग को लीना का मैसेज आता है जिससे वो घबरा जाता है और वो कहती है कि वो उससे पुराने नाव में मिलना चाहती है। डग वहां जाता है और लीना उससे कहती है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना होगा और यह कहने के बाद वो चली जाती है। डग अपने घर वापस आ जाता है और देखता है कि एजेंट की टीम वहां आई हुई है। एजेंट उसे कहती है कि उसे डग की उंगलियों के निशान और मुंह की लार चाहिए। वो डग को पुलिस कार में बिठाते हैं और एजेंट उससे फिर से पूछताछ करने लगती है, लेकिन डग उसे कुछ नहीं बताता। डग इस पूरे मामले के बारे में अपने दोस्त और माता पिता को बताता है। इस बीच पुलिस को ब्लड सैंपल का मैच मिल जाता है जो एजेंट ने उन्हें दिया था। डग अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है जो लीना कर रही होती है, जैसे कि जिस माली ने लीना और डग को साथ में देखा था। पुलिस के उस तक पहुंचने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। डग किसी तरह अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है और घाट पर जाता है जहां उसे लीना मिलती है। जैसे ही डग वहां जाता है, लीना अपने कपड़े फाड़ देती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे डग उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वहां आ जाती है और डग को पकड़ लेती है। डग पुलिस को कहता है कि वो लोग उसे जानते हैं और वो अपने ऊपर लगे इल्जाम को हटाने के लिए कुछ करना चाहता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे जाने देता है और डग वहां से लीना के होटल में उसका सेलफोन लेने जाता है, लेकिन जैसे ही उसे सेलफोन मिलता है वैसे ही लीना वहां आ जाती है और साथ ही एजेंट भी आ जाती है। डग एजेंट से कहता है कि उस फोन में उसकी बेगुनाही का सबूत है। इसके बाद वो दोनों औरतें बाहर जा रही होती हैं। तभी डग की नजर एजेंट के पैरों पर जाती है जहां वैसा ही टैटू होता है जैसा लीना के पैर में था। इससे डग को पता चलता है कि एजेंट ही लीना की प्रेमिका है और वह शुरुआत से लीना का साथ दे रही है। उसे सारी बातें याद आने लगती हैं और उसे समझ आता है कि वह इस बड़े खेल का मोहरा था। यहाँ पहले ऐसा लगता है कि लीना डग को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन लीना प्यार के खातिर डग के लिए वो सेलफोन छोड़ने का फैसला करती है जिसमें उसकी बेगुनाही का सबूत है। इसके बाद दोनों औरतें एलियट के इंश्योरेंस का पैसा लेकर फ्लाइट में बैठकर वहां से निकल जाती हैं। दोस्तों, हमारे ग्रेजुएट एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।